आपके शरीर में आयरन की कमी है और डॉक्टर ने बोला है कि आप अच्छा खासा आयरन रिच फूड खाओ। लोग आपको तरह तरह की एडवाइस देंगे कि आप ये खाओ वो खाओ, इससे आयरन मिलेगा उससे आयरन मिलेगा। तो ऐसे ही हम कुछ बहुत कॉमन ऐसे स्टेटमेंट को उठाए हैं इस वीडियो के लिए और हम ये देखेंगे ये मिथ है या फिर ये फैक्ट है। सबसे पहला, फिग या अंजीर बहुत ही हाई है आयरन में, तो आपको अगर एनीमिया है ये जरूर आपको खानी चाहिए। क्या ये सही है, देखते हैं। फिग या अंजीर की अगर बात करें ना, जो फ्रेश फिग होती है उनमें आपको 0.72 mg आयरन मिलते हैं और जो ड्राई वाले अंजीर या फिग आपको मिलते हैं उनमें 2.1 mg पर 100 ग्राम आयरन होते हैं। क्या लगता है आपको, ये हाई है? बिल्कुल भी नहीं। फिग या अंजीर कभी भी एक हाई आयरन सोर्स है ही नहीं, पर इसमें एक कैच है। स्टडीज दिखाते हैं कि अगर कोई भी 50 ग्राम ड्राई अंजीर या फिग एवरी डे कंज्यूम करे तो विद इन 2 वीक्स हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव होता है। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, भले ही फिग या अंजीर आयरन में बहुत रिच सोर्स नहीं है पर हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छे मदद करता है। तो अगर आप एनीमिक हो बिल्कुल ट्राई करो कि आपकी डाइट में 50 ग्राम ऑफ ड्राई अंजीर या फिग जरूर रहे ऑन अ डेली बेसिस और फिर आपको शायद बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नेक्स्ट बहुत कॉमन जो बात बोलते हैं कि आप पोमोग्रेनेट खाओ या अनार लो, इससे आपकी ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या यह सही है? देखो, अनार या पोमोग्रेनेट से खून की वॉल्यूम नहीं बढ़ती, बस हीमोग्लोबिन बढ़ता है जो कि आपको चाहिए। तो वैसे तो ये बात सही है, हो सकता है बहुत सालों से ये बात मुंह पे चलते चलते ऐसा बन गया हो। अगर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड पोमोग्रेनेट जूस कंज्यूम करते हो विद इन 2 वीक्स आपकी हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ने की पूरे चांसेस होते हैं। अगर आप देखोगे तो पोमोग्रेनेट भी कोई खास आयरन रिच फूड नहीं है। इसका रंग लाल है बिकॉज ऑफ इट्स पिगमेंट्स, पर ये खाने से जरूर फायदा मिलता है, आयरन लेवल इंप्रूव होती है, इनफैक्ट प्लेटलेट काउंट के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। आप अपनी आयरन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बीटरूट पोमोग्रेनेट जूस ले सकते हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना कैसे बनाते हैं इसे। थर्ड है, बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है प्लांटेन फ्लावर बहुत हाई है आयरन कंटेंट में। अगेन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्लांटेन फ्लावर में ना सिर्फ 1.16 mg आयरन होती है और सबसे बड़ी बात इसमें आयरन तो कम है ही, इसके साथ विटामिन सी कंटेंट भी बहुत कम है, सिर्फ 16 mg विटामिन सी मिलते हैं और इनमें भर भर के टैनिन होते हैं। तो टैनिन एक ऐसी चीज है ना जो आयरन अब्सॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं, मतलब अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी है, आप अगर प्लांटेन फ्लावर रेगुलर बेसिस पे लेना चालू करो तो आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल कम है वो और भी कम हो जाएगा। तो अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो प्लांटेन फ्लावर आप बिल्कुल ना ले। फोर्थ पॉइंट, कॉलीफ्लावर ग्रीन इज अ वेस्टेज, वो तो गाय भैंस के लिए है। देखो, कॉलीफ्लावर हम खरीदते हैं, मतलब फूल गोभी हम खरीद के लाते हैं पर उसके पत्ते जो है हम फेंक देते हैं, है ना। ये पत्ता आप बिलीव नहीं करोगे वन ऑफ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। इसमें 40 mg आयरन होती है हर 100 ग्राम ऑफ कॉलीफ्लावर के पत्ते से। तो अगर आप कॉलीफ्लावर खरीद रहे हो उसको अच्छे से वॉश करो, उसके पत्ते को अच्छे से वॉश करो, उसको चॉप करके उसका सब्जी बनाओ, सब्जी बना के वो खाओ। अब एक चीज प्रॉब्लम हो सकती है कि कॉलीफ्लावर पूरे साल तो नहीं मिलता है अच्छा, तो क्या करें? देखो, अब अगर मिल रहा है तो अच्छे से उस पत्ते को साफ करके उसको सन ड्राई कर लो, पाउडर बना लो और फिर वो पाउडर आप कोई भी खाने में ऊपर से स्प्रिंकल करके दे सकते हो। वो पाउडर से भी बहुत अच्छी अमाउंट में आपको आयरन मिल सकता है। स्टेटमेंट नंबर 5, कुलेखाड़ा लीफ बहुत अच्छा होता है एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। क्या ये सही है? यस, ये सही है। कुलेखाड़ा लीव्स में ना 7.03 mg आयरन होती है। वैसे देखा जाए तो ये आयरन क्वांटिटी इतना ज्यादा तो नहीं है, पर स्टडीज बताते हैं कि जब आप कुलेखाड़ा लीव्स की जो जूस है वो आप रेगुलरली लेते हो तो आपकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है। 2 to 3 weeks से आपको ये फर्क पता चलने लगता है। कुलेखाड़ा जूस को आप कैसे ले सकते हो? बहुत बिटर है ये। कुलेखाड़ा लीव्स को अच्छे से साफ करके इसके साथ थोड़ा हनी मिलाना है, फिर आप मिक्सी में इसको ब्लेंड करके इसका जूस निकाल लो। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कुलेखाड़ा जूस आप 2 हफ्ते तक पियो, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मंच। हम हर हफ्ते रविवार को शाम की 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी हेल्दी, बाय बाय।